आजकल इस मॉडर्न दौर के अंदर जो ये आजमाइश इंटरनेट की शक्ल में और मोबाइल फोन्स की शक्ल में, और ये जो बड़े बड़े बैनर्स बेहुदा औरतों के ये मोबाइल कंपनियों ने चौराहों पर लगा दिए हैं, मैं ये कहता हूं ये इतनी बड़ी बेहयाई का तूफान बदतमीजी है कि इतनी बड़ी आजमाइश है तो सहाबा इकराम को भी गुजरना नहीं पड़ा, उन पर और आजमाइश आई किताल के हवाले से, लेकिन जो बेहयाई का जो तूफान बदतमीजी जिस तरीके से इस वक्त उम्मत को आजमाया जा रहा है, इसका तो अशरे अशीर भी सहाबा को नहीं आजमाइश में डाला गया। उस जमाने में कौन इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर या घर तक जो है वो ऐसे मामला पहुंच जाते होंगे, औरतें भी थी तो वो भी पर्दे के अंदर निकलती थी। इतनी बड़ी आजमाइश उम्मत पे आ पड़ी है, और खुसूसन हमारा जो मॉडर्न पढ़ा लिखा तबका है, और क्या दीनदार और क्या बेदीन लोग, सबकी यही हालत है कि वो मंगेतर में और मनकूहा में फर्क ही नहीं करते। ये दो टर्म समझ ले, मंगेतर तो ये है कि कहीं पर आपकी बात चली और रिश्ता तय पाया, लेकिन जब तक निकाह नहीं हो जाता जो ऑफिशियल बॉन्ड है अल्लाह ताला की तरफ से, उस वक्त तक वो दोनों नामहरम है। सिर्फ बात तय हो जाने से या मंगेतर बन जाने से महरम नहीं बन जाएंगे जब तक निकाह नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल बॉन्डिंग तो निकाह है, और निकाह के बाद भी बस इस मामले में इस हद तक ही आगे बढ़ा जा सकता है कि कोई फिजिकली अलहदगी के अंदर कोई मामला ना हो, कल को कोई फूट पड़ गई और कोई ऐसा वैसा मसला हो गया, कोई केस बन गया, तो कोई बेहयाई की तोहमत लग गई, तो और से और मामला बिगड़ जाता है, और ऐसे वाकयात देखने में आए हैं। लिहाजा जब तक रुखसती ना हुई हो, चाहे कोई मियां बीवी भी हैं, निकाह के बॉन्ड में भी हैं, तब भी वो अलहदा में मुलाकात ना करें जब तक ऑफिशियल रुखसती ना हुई हो। वैसे मिलने में कोई हर्ज नहीं, मंगेतर ना हो मनकुआ हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा भाइयों, इस हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम में गद्दे बसर जो है, ये अरबी की टर्म है, गैन बाद बा सा रा, गद्दे बसर कहते हैं निगाहों को नीचा रखना, उस पर सूरह नूर के अंदर बड़ा जोर है, और सबसे पहले गद्दे बसर का हुक्म अल्लाह ताला ने मर्दों को दिया है सूरह अन्नूर के अंदर। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। पहले मर्द का पर्दा बयान हुआ है, निगाहें नीची रखें, यानी इधर उधर निगाह उठा के नहीं, बस इतनी नीची रखें कि आपको रास्ता नजर आ रहा है। ये बेजा निगाह को उठाना ये फिर इंसान को बुराई में मुबतला कर देता है। और फिर उसके बाद सूरह नूर में ही आगे आया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनीन औरतों को हुक्म दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें।